नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत में पल पल की तस्वीरें बदल रही है। इधर जेडीयू को लेकर पिछले दिनों से सस्पेंस बरकरार था कि आखिरकार किन किन उम्मीदवारों को कहां से टिकट मिलने वाला है। वहीं आज इस पर से भी पर्दा हट गया है। आज ही जेडीयू ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कुल 16 उम्मीदवारों के नाम का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने किया। हालांकि इन प्रत्याशियों में गौर करने वाली बात यह है कि 16 प्रत्याशियों में 12 प्रत्याशियों पर एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने दांव खेला है। लेकिन यहां जेडीयू के 4 बड़े सांसदों का इस बार पत्ता भी साफ हो गया है। बता दें कि इस बार सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू को दरकिनार कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर काराकाट से महाबली सिंह को भी टिकट नहीं मिला है। इसके साथ ही बात करें सिवान की, तो यहां से कविता सिंह को भी टिकट नहीं मिला है। इधर गया से विजय मांझी भी साइडलाइन कर दिए गए हैं। अब इन चारों सांसदों पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करेंगे सुनील कुमार पिंटू की। बता दें कि यहां से इस बार नीतीश कुमार ने अपने विश्वासी नेता देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी है। तो वहीं अब सुनील कुमार पिंटू का पत्ता साफ हो गया है। यह भी बता दें कि सुनील कुमार पिंटू मूलतः बीजेपी के नेता है, लेकिन पिछली बार उन्हें जेडीयू के सिंबल पर टिकट दिया गया था, तो वहीं इस बार तस्वीर ही कुछ अलग दिख रही है। अब सिवान की सीट पर नजर डाला जाए तो यहां से इस बार मौजूदा सांसद कविता सिंह का पत्ता साफ हो गया है। सिवान सीट पर भी बड़ा दांव खेलते हुए नई प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी पर भरोसा जताया गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो जेडीयू सिवान से रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी को टिकट देकर लवकुश के अपने मूल समर्थन आधार को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। इस तरह से विजय लक्ष्मी को टिकट देकर नीतीश कुमार ने इस बार नए चेहरे पर दांव खेला है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि नए चेहरे पर जनता कितना भरोसा दिखाती है। इधर जेडीयू कैंडिडेट्स की लिस्ट में एक और नाम शामिल नहीं है और वह है काराकाट से महाबली सिंह। महाबली सिंह भी इस बार साइडलाइन कर दिए गए हैं। हालांकि इसके पीछे की बड़ी वजह उपेंद्र कुशवाहा को माना जा रहा है, क्योंकि ये सीट अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में चली गई है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से उम्मीदवार होंगे। साथ ही अब बात करेंगे गया सीट की, तो इस बार जेडीयू सांसद विजय मांझी का भी पत्ता कट गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि गया की सीट इस बार जीतन राम मांझी की पार्टी हम के कोटे में चली गई है। लिहाजा इस सीट पर इस बार खुद पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ताल ठोकेंगे। उनके नाम का ऐलान भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कर दिया है। यह तो होगी जेडीयू के चारों सांसदों की बात, लेकिन इस बार एक और नया चेहरा जेडीयू की ओर से लोकसभा चुनाव में दिखने वाला है। दरअसल हॉट सीट में शुमार शिवहर की सीट इस बार जेडीयू के कोटे में चली गई है, लेकिन पूर्व में बीजेपी की रमा देवी यहां से चुनाव लड़ती थी और विजय पताका भी फहराती थी, लेकिन इस बार जेडीयू के कोटे में इस सीट के जाने के बाद नीतीश कुमार ने लवली आनंद पर भरोसा जताया है और उन्हें लोकसभा का टिकट दिया है। बता दें कि हाल ही में लवली आनंद ने आरजेडी का दामन छोड़कर जेडीयू की सदस्यता ले ली थी, तो वहीं अब उन्हें शिवहर से टिकट भी दे दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे बिहार की सियासत में क्या कुछ और किस तरह के उलटफेर देखने के लिए मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।